मूव करते हैं अपनी ब्राउज पे। जब आपको आपकी ब्राउज फिल करनी है, आप चाहो ब्राउ पेंसिल्स यूज कर सकते हो, ब्राउ पोमेड्स यूज कर सकते हो, ब्राउ जेल्स यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है, ठीक है, पाउडर्स यूज कर सकते हो। मुझे जो सबसे हैंडी लगता है वो होता है एक पेंसिल जब मैं अपने ऊपर मेकअप कर रही हूँ। लेकिन जब हम किसी और पे मेकअप कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है हर पेंसिल हर ब्राउ को मैच करे। फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आपको कभी भी ब्लैक जो कलर होता है ना वो अपनी ब्राउ पे यूज नहीं करना होता है। बिकॉज आपने देखा होगा हमारी ब्राउ के हेयर भले ब्लैक होता है, लेकिन अगर मैं उसे ब्लैक करने जाऊंगी ना तो मेरी ब्राउ बहुत ज्यादा गंदी लगेगी। आपको चूज करना होता है ब्राउन टोन का कलर, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्राउज का कलर कैसा है। लाइक मेरे ब्राउ का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, तो मैं एक डार्क ब्राउन शेड की तरफ जाऊंगी या फिर एक मीडियम ब्राउन। अगर बहुत ज्यादा कम ब्राउज हैं किसी के तो मैं एक लाइट ब्राउन शेड की तरफ जाऊंगी। इस तरीके से हमें पता लगता है कि हमें ब्राउ का जो कलर है वो कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं आज यहाँ पे एक पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप चाहो पाउडर्स यूज कर सकते हो, जो मर्जी यूज कर सकते हो। इस पेंसिल, ये जो है वेट एंड वाइल्ड की पेंसिल है, यहाँ पे एक साइड पे आपको स्पूली मिल रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा अपनी ब्राउज को कॉम्ब आउट करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग द प्रोडक्ट, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको किस शेप में अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। ये मेरे ब्राउज में जो कट्स हैं वो स्ट्रिचेस मार्क की वजह से हैं, बट आई लेट देम बी, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। मैंने अपनी ब्राउज को कॉम्ब कर लिया, मैं निकाल लूंगी अपना प्रोडक्ट एंड देन मैं फिल करूंगी अपनी ब्राउज को। ब्राउज को फिल करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा लाइट हैंड्स यूज करना होता है, बहुत ही ज्यादा। आपको अपनी ब्राउ की नेचुरल शेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक नीचे की तरफ एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपने देखा मुझे नीचे की तरफ एक लाइन मिल गई कि मुझे इसके नीचे नहीं जाना है, मुझे इसके ऊपर ही वर्क करना है, ठीक है। एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगी ऊपर की तरफ, मुझे ऊपर भी एक लाइन मिल गई, भाई मुझे अब इन दो लाइंस के अंदर वर्क करना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं अपना प्रोडक्ट लेके बहुत ही लाइट हैंड से इसको अप्लाई कर लूंगी। फ्रंट में आपको हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक देने पड़ते हैं, बिकॉज फ्रंट में ना आपके बाल बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इसलिए आपको इस तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक देने पड़ते हैं, लाइक दिस। मेरी आगे की ब्राउ फिल हो गई। इस ब्राउ को मैं नॉर्मली इस तरीके से कर दूंगी, ठीक है। अब ये ब्राउ में आपको दिख रहा होगा यहां पे कोई शेप नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये ऊपर से होके शेप नीचे आएगी, है ना। तो यहां पे मुझे ये शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस तरीके से, मैं सबसे पहले नीचे की लाइन जो है उसको सही कर दूंगी, लाइक दिस। ऊपर मैं इस शेप को ड्रॉ कर दूंगी। बिकॉज आपके थोड़े बहुत हेयर होते हैं, आपको पता होता है कि आपकी ब्राउ की ये शेप बननी चाहिए। तो इस ब्राउ और इस ब्राउ के बीच में फर्क पता लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी, ताकि वो बहुत ज्यादा ना नेचुरल लगे, बहुत ज्यादा गंदा ना लगे, ठीक है। ये हो गया। सेम मैं क्या करूंगी, अपनी नेक्स्ट ब्राउज को भी सेम तरीके से मैं फिल इन कर लूंगी। ये मैंने कर ली अपनी दोनों साइड की ब्राउज फिल। अब आप चाहो तो एक कंसीलर की हेल्प से अपनी ब्राउज को कार्व आउट कर सकते हो। आपने देखा होगा हम नीचे से करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी ब्राउज जो है वो बिल्कुल क्लीन दिखे, बट मुझे यहाँ पे इतना नीड नहीं लग रहा है, सो मैं इसलिए यहाँ पे आज नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। आपकी ब्राउज यहाँ पे फिल होगी। अब आपका आता है आई मेकअप। अब हम बात करते हैं आई मेकअप की, ठीक है। अगर आई मेकअप की बात करें, सबसे पहले ये होती है हमारी ब्राउ बोन। ये जो हमारा इनर कॉर्नर होता है इसको हम कहते हैं टियर डक्ट। ये होती है हमारी क्रीज, ये होती है हमारी आईलेट, जिसमें से हमारी इनर आईलेट हो गई और ये हमारी मिडल आईलेट हो गई। जो ये आपका वी फॉर्म होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा आउटर वी। ऊपर और नीचे जहां पर लैशेस हैं वो होती है हमारी अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस। जहां पे आप अपना काजल अप्लाई करते हो वो हमारा क्या होता है, हमारी वॉटर लाइन, ठीक है, लोअर वॉटर लाइन और अपर वॉटर लाइन। हम हमेशा अपनी क्रीज पे यूज करते हैं थोड़े से यू नो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रशेस लाइक दिस, जिसकी हेल्प से हम अपने क्रीज के कलर को अप्लाई कर सके।
लिड्स पे हम बेसिकली जो हमारा क्रीज और आउटर भी होता है ना, हम वहां पे मैट कलर्स यूज करते हैं एंड अपनी लिड पे हम शिमर्स, ग्लिटर्स और फॉइल पिगमेंट्स ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको आई मेकअप पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, लाइक कंप्लीट आई मेकअप पे कि किस तरीके से होता है, हर एक छोटी छोटी चीज अबाउट ब्रशेज आपको सब कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा, सो आप लिंक में चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आई मेकअप पे इतना डीपली नहीं जाने वाली हूँ। सो बिकॉज मेरा आउटफिट ब्लू था, हम एक थोड़ा यू नो ऑरेंजिश एंड पीचिश टोन में जा रहे थे, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं ले रही हूँ ये हुडा ब्यूटी इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन पैलेट एंड यहाँ से मैं ये ऑरेंज शेड जो है वो पिक करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा पिक नहीं करूंगी मैं, बहुत बिल्कुल कम लूंगी मैं ये वाला शेड, बिकॉज मुझे ऑरेंज को इतना ज्यादा पॉप नहीं कराना। क्रीज कलर हमारा जो है एक लाइटिश, थोड़ा सा लाइट क्रीज कलर हमारा होना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर पिक करूंगी लाइक दिस, बिल्कुल कम, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड पैलेट है इसलिए मैं बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ पे ले रही हूँ। एक्सेस को डैब आउट कर दूंगी इस तरीके से एंड देन हम मूव करेंगे अपनी क्रीज में, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, लाइट हैंड से अपनी क्रीज में मैं कलर प्लेस करूंगी इस तरीके से, देख रहे हो, बिल्कुल लाइट हैंड से एंड देन मैं इसको राउंडवर्ड मोशंस में यू नो हल्का हल्का मैं अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड आउट कर दूंगी। ब्लेंडिंग में जैसे आपको फेस की ब्लेंडिंग में टाइम देना पड़ता है, वैसे ही आपको आईज के मेकअप की ब्लेंडिंग में भी टाइम देना पड़ता है ताकि कोई लाइंस विजिबल ना हो, कोई हार्श एजेस विजिबल ना हो, सो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लेना है। सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी, आई विल गिव नाइस टाइम फॉर द ब्लेंडिंग। ठीक है, एज यू कैन सी बिल्कुल नेचुरली ब्लेंडेड लग रहा है। सेम चीज मैं कर लूंगी अपने सेकेंड आई, तो मैंने अपना जो ये शेड था ये अच्छे से अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी इसको, मैंने अपने आउटर वी पे भी हल्का हल्का क्या किया है अप्लाई, ठीक है। मेरे यहाँ पे क्रीज कलर अप्लाई हो गया, अब मैं अप्लाई करूंगी अपनी आईलेट पे गोल्डन शेड। सो मैं इस पैलेट में से ये गोल्डन शेड लूंगी एंड देन मैं, आप चाहो अपनी फिंगर की हेल्प से कर सकते हो या चाहो आप इस टाइप का फ्लैट शेडर ब्रश यूज कर सकते हो अपना गोल्डन शेड अप्लाई करने के लिए। सो मैं ये फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अपनी आईज पे गोल्डन कलर जो है वो प्लेस कर दूंगी। ओके, सो एक बार जब मुझे मेरी डिजायर्ड कलर पिगमेंटेशन मिल जाएगी, लाइक आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट कट क्रीज की तरह इसको यू नो एक क्रीज की शेप में अप्लाई किया है, लाइक एक पर्टिकुलर कट क्रीज भी नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने उस तरीके से शेप में इसको अप्लाई किया। देन मैं आउटर कॉर्नर्स को एक बार ब्लेंड आउट कर दूंगी सो दैट यू नो ये थोड़ा सा प्रॉपरली ब्लेंडेड आउट लगे इस तरीके से। ओके, वी आर डन विद द आईज। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, मुझे थोड़ा सा और ग्लिटर चाहिए अपनी आईज पे, मैं यहाँ पे यूज करूंगी इस टाइप के यू नो फॉइल पिगमेंट्स। सो यहाँ पे मेरे पास स्विस ब्यूटी का गोल्डन कलर का ये इस टाइप का फॉइल पिगमेंट है, एज यू कैन सी ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। सो मैं क्या करूंगी, इस प्रोडक्ट को ब्रश में पिक करके मैं अप्लाई कर दूंगी अपनी आईलेट पे लाइक दिस। तो इसको अच्छे से पैट करने के बाद आप चाहो तो इन मेकअप सेटिंग्स पे भी यूज कर सकते हो इन ग्लिटर्स को स्टिक करने के लिए। मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी एक क्लीन ब्रश एंड मेरी अंडर आईज में जितना भी फॉल आउट हुआ होगा मैं उसको बहुत ही लाइट हैंड से रिमूव कर दूंगी। सो एज यू कैन सी द आई मेकअप, सो हम जो है हमारा आई मेकअप जो है यहाँ पे मोस्टली जो है डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं काजल एंड आईलाइनर पे। सो उसमें जाने से पहले मैं जो अपना सेम ऑरेंज शेड जो मैंने पिक किया था उस आई शेडो पैलेट में से मैं उसे अप्लाई कर लूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे। इससे होता है कि आपको एक स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट मिलता है, सो मैं सेम शेड को लेकर अप्लाई कर लूंगी लोअर लैश लाइन पे लाइक दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर काजल्स एंड लाइनर्स। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक काजल, ये है मेबलिन कॉलोसल काजल। मैं इसको बहुत ही आराम से अपनी वॉटर लाइन में अप्लाई कर लूंगी। मैं यू नो एक बहुत ज्यादा थिक भी नहीं ड्रॉ करूंगी, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं ड्रॉ करूंगी इसको।
बहुत ही आराम से आपको अप्लाई करना है अपना काजल। ओके, से बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है। आपको हमेशा अपना काजल अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करना होता है। लाइक जेंटली आपको अपनी आई को क्लोज करना है एंड ऊपर आपको अपना इस तरीके से काजल अप्लाई कर देना। आपको थोड़ी सी डेप्थ दिखी ऊपर वाली लाइन में, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इससे होता क्या है ना, अगर आप लाइनर अप्लाई करते हो तो नीचे की वाटर लाइन विजिबल नहीं होती। सेम तरीके से मैं अपनी इस वाली अंडर लाइन में भी, सॉरी वाटर लाइन में भी अपना काजल जो है वो अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा अप्लाई हो गया काजल। अब हम इस काजल को इस तरीके से नहीं छोड़ने वाले हैं, बिकॉज इस तरीके से अगर आप अपना काजल छोड़ते तो वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिक करेंगे एक इस टाइप का छोटा एंगुलर ब्रश एंड देन मैं यहाँ पे एक लेने वाली हूँ ब्लैक आई शेडो। यहाँ से मैं पिक करूंगी ये ब्लैक आई शेडो। मैं क्या करूंगी, मैं इसको अपने एंगुलर ब्रश पे इस टाइप से हल्का सा लूंगी एंड देन मैं अपने काजल को कर दूंगी स्मज आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक आई शेडो। आपको बहुत ही सिंपली बहुत लाइट हैंड से इसको ब्लेंड आउट करना है, बहुत लाइट हैंड से। आपको दिख रहा होगा ये स्मज आउट होता हुआ। इसी तरीके से आपको करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। ओके, सो एज यू कैन सी मेरे यहाँ पर थिक काजल भी अप्लाई हो चुका है एंड जो मेरा स्मोकीनेस मुझे करनी थी अपने आईज में वो भी मेरी पूरी हो चुकी है। एक बार जब हमारा ये हो गया, मैं सेम जो ऑरेंज आई शेडो वाला ब्रश था उसकी हेल्प से हल्का सा और ऑरेंज आई शेडो लेके इसको वापस से स्मज आउट कर लूंगी लाइक दिस। मेरा जो लोअर लास्ट लाइन है वो स्मोक आउट हो चुका है एंड आप देख सकते हो कि कैसा विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। सो मैं लाइनर अप्लाई करूंगी ऊपर, बहुत ही ज्यादा थिन आई लाइनर मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं थिक आई लाइनर ड्रॉ नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना आई लाइनर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है, हम इस आई लाइनर को साइड में रख देते हैं। जो सेम ब्रश जिसकी हेल्प से मैंने स्मज आउट किया था ना, मैं वापस उस पर ब्लैक आई शेडो पिक करूंगी एंड अब मैं इस लुक में क्या करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक जो ये मेरा लाइनर है, मैं इसको हल्का सा ऊपर ऊपर से, सिर्फ ऊपर ऊपर से इस तरीके से स्मोक आउट कर लूंगी, बिल्कुल हल्का हल्का। अब हमारा ये चीज हो गया, हमारा आई मेकअप जो है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी आई लैशेस पे। सबसे पहले हमें अपनी आई लैशेस को करना पड़ता है कर्ल। लैशेस को हम कर्ल बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक नेचुरल लिफ्ट मिल जाए हमारी आई लैशेस को। सो हम इस एरिया के बीच में, ये जो एरिया होता है इसके बीच में हम इसको प्लेस करते हैं लैशेस को एंड देन हम इसको फॉर 3 to 5 seconds इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं ताकि जो ये लैशेस हैं वो हमारी प्रॉपरली कर्ल हो जाए एंड जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये लैशेस इस तरीके से कर्ल्ड अप हो जाएंगी। सेम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। ओके, अब हमारी हो गई है लैशेस कर्ल। आप चाहो तो इस लुक के साथ यू नो फॉल्स आई लैशेस ऐड कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस टाइप की फॉल्स आई लैशेस ऐड कर सकते हो। सो हम यहाँ पे लैशेस ऐड करने वाले हैं बिकॉज हम यहाँ पे कंप्लीट मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो लैशेस के लिए आपको हमेशा चाहिए होती है एक लैश ग्लू। मैं आपको बताती हूँ मुझे किस तरीके से लैशेस लगाना पसंद है। सबसे पहले हम अपनी लैशेस को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, मैं हमेशा जब भी अप्लाई करती हूँ लैशेस, मैं कभी भी ग्लू डायरेक्टली अपनी लैशेस के ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, लाइक ये बहुत इजी ट्रिक है, मैं सबसे पहले ग्लू ले लेती हूँ एट द बैक ऑफ माय हैंड लाइक दिस। इतनी ग्लू बहुत हो जाती है। एक छोटे से एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं ग्लू पिक करती हूँ एंड मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ बिल्कुल क्लोज टू माय लैश लाइन एज अ लाइनर। बिल्कुल हल्का हल्का मैं इसको यहाँ पे डैब कर देती हूँ। अब हम यहाँ से अपनी लैशेस को रिमूव कर लेंगे सिंपली। ठीक है, ये हमने अपनी लैशेस रिमूव कर ली। सो ये बेसिकली इस टाइप की लैशेस हैं। एज यू कैन सी ये यहाँ से छोटी हैं एंड देन यहाँ से बड़ी हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये वाली जो लैशेस है ये इस आई पे आनी है, आगे छोटी और पीछे बड़ी। ठीक है, और ये वाली लैश जो है वो हमारी इस पे आएगी। मैं बहुत ही ज्यादा जेंटली अपनी लैशेस को इस पे स्टिक कर लूंगी, यू कैन सी। ठीक है, जब मैं अपनी आई क्लोज कर रही हूँ आपको दिखेगा कि बैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। रीजन क्या है उसका, आपको हमेशा ऐसे अप्लाई करना चाहिए।
कभी भी ऐसे नीचे देखकर अपना नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा लैशेस टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जब आप ऊपर देख के मिरर बिल्कुल अपने यू नो माउथ के फ्रंट में रख के अप्लाई करोगे ना, तो आपको पता लगेगा लैशेस कहाँ जानी चाहिए और वो सीधी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। इसके ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ता है मस्कारा, बिकॉज यू नो आपने फेक आई लैशेज लगाई हैं, आपको फेक आई लैशेज को अपनी रियल लैशेज के साथ मिक्स अप करना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा। सो मैं वॉन्ड पे लेके इसको यू नो एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा आपको यहाँ पे निकाल लेना है, वरना आपकी लैशेज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, क्लम्पी हो जाती है। सो मैं क्या करूंगी, बहुत ही आराम से यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँ। लैशेज आप बेसिकली सिर्फ तभी लगाते हो जब आपको यू नो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना होता है, आपने कहीं बाहर जाना होता है। डेली बेसिस पे हम लैशेज नहीं लगाते हैं, बट बिकॉज दिस वॉज ए कम्प्लीट वीडियो सो इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सो ये हो गई हमारी लैशेज, अब हम मूव करेंगे हाईलाइटर पे। सो क्योंकि हमारा मेकअप ज्यादातर कम्प्लीट हो चुका है, हम एक बार वापस अपने फेस को सेट कर लेंगे। आपको अपनी आई लैश कवर कर लेनी है इस तरीके से अपने फोरहेड पे एंड अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। वापस से एक बार अच्छे से आपको प्रोडक्ट जो है ब्लेंड आउट कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट आपने एक बार वापस से ब्लेंड आउट कर लिया, अब आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर। आप चाहो तो आप इस टाइप के गोल्डन हाइलाइटर की तरफ जा सकते हो, या फिर इस टाइप का एक व्हाइट सॉर्ट ऑफ, या फिर पिंक येलो यू नो सम सॉर्ट ऑफ ब्रॉन्जी पीच, कोई भी कलर पे आप जा सकते हो। लेकिन क्योंकि ये एक पीच सॉर्ट ऑफ गोल्डन लुक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइप के गोल्डन हाइलाइटर के साथ जाऊंगी। ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम इन द शेड मोल्टन गोल्ड। सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, पिक करूंगी हाईलाइटर, डैब ऑफ कर दूंगी एक्सेस, एंड देन अपनी चीक बोन पर इसको अप्लाई कर लूंगी। यू नो पता क्या लगा, क्योंकि हमने आई का मेकअप इस टाइप का किया था, तो मुझे मेरा आई बहुत ज्यादा ग्लिटरी है, सो मुझे पता है मुझे बहुत हैवी नहीं जाना अपने हाइलाइटर के साथ, बिकॉज ऑलरेडी मेरा आई इतना ज्यादा हैवी है कि अगर मैं यू नो अपने हाइलाइटर को भी इतना ज्यादा हैवी कर दूंगी ना, तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा लुक। तो आपको अप्लाई करना होता है अपनी चिन पे, अपने क्यूपिड्स बो पे, इस एरिया को हम बोलते हैं क्यूपिड्स बो। कई लोग पूरे फेस पे अपना हाइलाइटर लगा लेते हैं, बट आपको वो नहीं करना है। नोज पे हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए मैं यूज करती हूँ अपने फिंगर। मैं सबसे पहले हाइलाइट करती हूँ अपनी टिप को एंड देन अपनी ब्रिज को, लाइक दिस, ठीक है। हाइलाइटर लगाने के बाद एक ट्रिक है, इसको हल्का सा ना ब्लेंड आउट कर लो, ताकि वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगे, ठीक है। आपको हाईलाइट करना है कि आप छोटा सा ब्रश ले सकते हो इस टाइप का। आपको अपनी इनर कॉर्नर्स को, टियर डक्ट को भी हाईलाइट करना है यहां पे, लाइक दिस, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करना है बिकॉज आई लुक ऑलरेडी बहुत हैवी है। एंड देन आपको अपना हाईलाइट करना है ब्राउ बोन को, ठीक है। आप अपना ब्राउ बोन को बहुत हल्का सा इस तरीके से हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फेस मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है, लाइक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो एक चीज बचती है वो बचता है लिप्स के लिए। मैं चाहूं तो बहुत ज्यादा डार्क जा सकती हूँ, मैं चाहूं तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल जा सकती हूँ, मैं चाहूं तो बिल्कुल इसको नेचुरल रख सकती हूँ। बिकॉज ये लुक एक ऐसा है जिसके साथ आप डार्क लिप कलर भी यूज कर सकते हो, बहुत लाइट न्यूड भी कर सकते हो, और एक नॉर्मल लिप कलर भी यूज कर सकते हो। सो मैं एक पीची शॉर्ट ऑफ पीची तो मैं एक यू नो पीच सॉर्ट ऑफ मेकअप यहाँ पे लिप लाइनर लिपस्टिक यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को कर लूंगी लाइन। लिप्स को लाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले लाइन। एंड देन जो मैं यहाँ पे कलर यूज करने वाली हूँ वो है ये डार्लिंग इजाबेला। लाइक आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस लुक के साथ और एक आउटफिट के साथ कंप्लीटली ये कलर जा रहा है। इस शेड को मैं अप्लाई कर लूंगी। सो मैं इस लुक को थोड़ा सा यू नो ब्राउनिश टोन में करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, लाइक यहाँ लग रहा था बट वैसे ये मैच नहीं हो रहा है। सो मैं इसको हल्का सा इसमें ब्राउन ऐड करूंगी, सो दैट यू नो ये थोड़ा इस लुक के साथ कम्प्लीटली मैच हो जाए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक इस टाइप का ब्राउनिश शेड, लाइक एक ऑरेंज रस्टी काइंड ऑफ ब्राउन है। सो मैं इसको अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। एज यू कैन सी ये ब्राउन ऐड करने से इस लिपस्टिक का टोन बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लिप ग्लॉस एंड दैट्स इट।
या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको जितनी भी मेकअप रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो गई होंगी. दिस इज हाउ आई डू माई मेकअप एंड दिस इज हाउ आई हैव लर्नड कि मेकअप कैसे करना चाहिए. सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.